एक किसान कौन सा बिजनेस शुरू कर सकता है? अगर आप भी गांव में रहते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, तो आप कैसे कोई बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ अपने खेती के साथ कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसको शुरू करने के बाद 30-40 हजार रुपए प्रति महीने इनकम भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप एक किसान हैं तो कैसे आप उतना कमाई कर सकते हैं जो कि एक व्यापारी भी करता है। दोस्तों, यह जो वीडियो आप देख रहे हो, यह वीडियो आपको देखने में हो सकता है कि साधारण लग सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको जो जानकारी आज देने जा रहा हूं, वह जानकारी पाने के बाद आप भी अपने गांव में खेत के साथ साथ, खेती करने के साथ साथ ऐसे ऐसे बिजनेस कर सकते हो जिससे आप अपने घर से ही, अपने मतलब गांव के इलाके से ही आसानी से पैसे कमा सकते हो। और दोस्तों, एक एक बिजनेस से आप चाहे तो 30,000, 40,000 और 50,000 रुपए प्रति महीने तक का इनकम कर सकते हैं। वैसे तो बिजनेस अनिश्चितता है, मतलब उसमें कोई फिक्स चीज नहीं होता है कि आप इतना पैसे कमाएंगे, लेकिन मैं आपको एक एवरेज जरूर बता सकता हूं कि आप 30-40 हजार रुपए तक महीने कमा सकते हैं, और वह लोग कमाते भी हैं। जिस व्यक्ति का भी बिजनेस सही तरीके से चलता है वह 30-40 हजार रुपए महीने आसानी से कमाता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं वह गांव से जुड़ा हुआ 100% हकीकत और सच्चाई के साथ मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जो भी मैं बिजनेस आपको बताऊंगा, जो भी मैं बिजनेस आइडिया इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वह उस बिजनेस से सफल लोग पैसे कमा भी रहे हैं, और आप भी चाहें, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, आप कोशिश करें, अगर आप एक किसान हैं तो आप भी उससे पैसे कमा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दोस्तों, गांव के लिए, एक किसान के लिए इससे अच्छा और बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। अपनी खेती के साथ साथ वह पैसे कैसे कमाए, कौन कौन से अवसर है, कौन कौन से इस समय ट्रेंडिंग बिजनेस है जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं, और आप भी चाहे तो कमा सकते हैं। अगर आपके एरिया में हो सकता है कि ग्रामीण इलाके में ये सब चीजें एक तरीके से हर जगह पर उतना प्रचलित नहीं है, गिने चुने लोग ही बिजनेस के बारे में जानते हैं। किसानों का बिजनेस एक अलग प्रकार का बिजनेस होता है, क्योंकि उनको अपनी खेती भी करनी होती है। इसलिए दोस्तों, मैं आज का जो टॉपिक है, आज का ये जो कंटेंट है, ये मैं एक अलग तरीके से आपको, अलग ही तरीके से मैं बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूं, बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने यारों और दोस्तों और मित्रों के साथ। दोस्तों, ये खेती गृहस्थी एक तरीके से अगर कहा जाए तो ज्यादातर लोग खेती गृहस्थी का ही काम करते हैं, और उनको, अनेकों लोगों को यह मन में एक तरीके से प्रश्न अपने आप से भी रहता है, और काफी सारे दिमाग में उलझन भी रहता है कि यार खेती गृहस्थी से यार पैसे उतना नहीं कमाई हो पाता, तो ऐसा कौन सा रोजगार करें, कौन सा व्यापार करें जिससे हम भी एक अच्छा व्यापारी बन सके, यानी किसान के साथ साथ एक अच्छा व्यापारी भी बन सके। हर एक किसान के मन में ये बात उत्पन्न होता होगा, और लगभग हर एक किसान के मन में, ये नहीं एक गिने चुने, लगभग हर एक जो किसान है, चाहे कम भूमि है या ज्यादा भूमि है, ज्यादा भूमि जिनके पास है उनको तो अपना एक अलग ही अंदाज होता है, लेकिन जो कम भूमि वाले किसान है, जो कि जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है, वो तो ज्यादातर अपने बिजनेस की तलाश में रहते हैं, और खेती के साथ साथ वह निरंतर यही बात अपने मन में चिंतन करते रहते हैं कि कोई ऐसा व्यापार जरूर कर लिया जाए जिससे हमारा जो बचत है वह बढ़े, और इनकम के साथ साथ हमारा मतलब बचत भी बढ़े।
तो दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक, आज का ये जो वीडियो बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से और कान खोल करके सुन लीजिएगा। दोस्तों ये जानकारी बेशक ही मैं मौखिक रूप से आपको दे रहा हूं, लेकिन यह 100% सत्य जानकारी है। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो आप चाहें तो अपने एरिए में मुर्गी पालन, जिसको पोल्ट्री फार्म भी कहा जाता है, उसका व्यापार शुरू कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी की बात है, मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसी को कीजिए। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। इस व्यापार में बहुत से लोगों को मैंने देखा है इस बिजनेस पे ग्रोथ करते हुए, और बहुत से लोगों को मैंने इस बिजनेस में लॉस होते हुए भी देखा है। दोस्तों इसमें दो कंडीशन होता है। पहला यह कि अगर आप एक किसान है, अगर इस व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, तो सही रूप में, अगर सही मायने में कहा जाए, तो आप अपने व्यापार पर पूरा ध्यान दीजिए। पोल्ट्री फार्म या मुर्गी फार्म का जो व्यापार होता है, इसमें नुकसान कैसे होता है, इसके बारे में अगर ज्यादातर संख्या में अगर देखा जाए, तो अचानक कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके कारण से आप जो मुर्गी पालन का काम कर रहे हो उनको बीमारी हो जाती है, और स्टेप बाय स्टेप एक एक आपके जो चूजे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीजों को क्या करना होता है, ध्यान पूर्वक आप बिजनेस किए हैं, इस शुरू किए हैं, तो ध्यान पूर्वक देखना होता है इस बिजनेस, इस इन सभी चीजों, क्योंकि ये जीव चीज है। और जो भी लोग इसका व्यापार किए हैं वो भली भांति जानते हैं कि इनको कोई बीमारी न लगे, इनको सुरक्षित रखा जाए। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो यह व्यापार संभावनाओं वाला व्यापार है, इसमें घाटा भी लग सकता है। लेकिन हां एक बात जरूर कहा जाएगा कि यह व्यापार अगर सही रूप से अगर आप करते हैं, दिमाग लगा करके सही तरीके से करते हैं, तो इस व्यापार में सफलता आपको जरूर मिल सकती है। दोस्तों जो अगला बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, बातें तो मैंने बहुत किया है, बहुत ऐसे वीडियो बनाए हैं, बहुत ऐसे आइडिया दिए, लेकिन जो मुख्य बात है मैं वही उसी बात के आप आता हूं और वही बात बताता हूं। दूध बेचने का बिजनेस, अगर आप एक किसान हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आप पशुपालन करके दूध बेचकर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना सरल नहीं है जितना मैंने कह दिया, ये भी बात मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। मैं जितना मुख से अपने बोल देता हूं, यह इतना सरल बिजनेस नहीं होता है, इसमें भी काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, मेहनत होता है, और लंबी चौड़ी सोच वाला व्यक्ति या मेहनत करने वाला व्यक्ति ही यह बिजनेस कर सकता है। उसके लिए दोस्तों आपको पशुओं को रखना पड़ेगा, और उसमें आपको अगर पूंजी कम है तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। मैं एक गांव का एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि आप भैंस पालन का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं या गाय पालन का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है तो आप उनका चारा जो है, जैसे भूसा हो गया, दाना हो गया, उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको स्टॉक करके आप धीरे धीरे वो खिला सकते हैं और दूध का व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है तो आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, और उन पशुओं को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। चारा, अगर आपके पास चारा का इंतजाम नहीं किया है तो उनको घुमाना पड़ेगा, जहां पे मतलब एक तरीके से घास जिस एरिया में ज्यादा हो, एक तरीके से जंगल टाइप एरिया हो, खेती भी होता हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घास फूस यानी कि खाली जगह जहां पे हो। हमारे यहां अगर आप, मैं जहां तक अनुभव करके बताता हूं, हमारे यहां तो एक व्यक्ति 10-10 भैंस रख सकता है और उनको घुमा करके ही खिला सकता है, उनको चारा बस घुमा करके ही इंतजाम कर देता है। मतलब घुमा करके सुबह खोलता है 2 घंटे, सुबह 2 घंटे शाम को, और बस उनको पानी पिला करके वो इंतजाम करता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पूंजी है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, जो चारा है उसको स्टॉक कर सकते हैं, और जो उसमें खरे दाना जो लगता है उसका इस्तेमाल आप खरीद करके कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं। नहीं है तो नहीं होने का व्यवस्था मैंने आपको बताया, लेकिन इस बिजनेस को इतना आसानी से शुरू नहीं किया जा सकता। अगर आपको 10 भैंस रखना है तो उसमें पूंजी लगेगा, इसलिए शुरुआती समय में आपको एक छोटे से बछड़ी से स्टार्ट करना चाहिए, चाहे गाय का पालन करते हो या भैंस का पालन करते हो, दूध दोनों का ही है, लेकिन महंगा बिकता है भैंस का दूध, गाय का दूध थोड़ा कम रेट में बिकता है हमारे यहां,
हो सकता है आपके यहाँ कुछ और रेट हो, हमारे यहाँ कम रेट में बिकता है। तो दोस्तों यह भी एक अवसर है, अगर किसान है तो आप अपने खेती के साथ साथ यह व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं, व्यक्ति चाहे तो वह बिजनेस स्टार्ट करके वह अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। अगर आप महीने में प्रतिदिन अगर एक भैंस के जरिए मात्र 5 लीटर दूध अगर आप बेच रहे हैं, सुबह शाम मिलाकर बेच रहे हैं उतना, यानी कि 25 लीटर दूध आप आसानी से बेच रहे हैं, अगर आपके पास पूंजी है तो मैं बता रहा हूं, यानी कि अगर कहा जाए तो अगर हमारे इलाके में 60 रुपए प्रति लीटर है भैंस का दूध, यानी कि 1500 रुपए का दूध आप रोजाना बेच रहे हैं, जिसका अगर औसत निकाला जाए तो 40,000 से 45,000 रुपए महीने आप कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, या इसके अलावा आप और भी विकल्प पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर हम किसान हैं एक प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, तो उसी बिजनेस को कीजिए जो आपको समझ में आए। जो आपको समझ में नहीं आए उस बिजनेस को बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि उसमें 100% संभावना रहती है आपको घाटा लगने का। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।